Let's introduce some important concept like the analogous form of Gauss theorem in gravitation. देखिए गॉस थ्योरम जो पढ़ाया जाता है ये चार्जेस के लिए होता है, मासेस के लिए नहीं होता। लेकिन उसकी एनालॉजी हम अगर ग्रेविटेशन में यूज़ करते हैं तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है। तो फिर हम समझ लें गॉस थ्योरम एक्चुअली है क्या। उसके पहले हमें चार्ज समझना होगा, व्हाट इज द चार्ज। जैसे मास डिफाइन किए थे, चार्ज भी वैसे डिफाइन करना है। जैसे मास कैसे डिफाइन करोगे आप, हाउ डू यू डिफाइन मास। कोई आप बॉडी रखते हो मास यहाँ पे, तो आसपास की बॉडी इसकी तरफ अट्रैक्शन फोर्स महसूस करती है ना, तो डेफिनेशन क्या होगी मास। द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी और बॉडी ड्यू टू विच अनदर बॉडी अराउंड इट एक्सपीरियंसेस एन अट्रैक्टिव फोर्स है ना। और बाद में फोर्स क्या बताया हमने, जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, वेयर एम वन इज सपोजली दिस मास एंड एम टू इज दिस एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज आर इज दिस। ये हमने पता लगाया। उस तरह चार्ज भी डिफाइन है। The inherent property of body, property of body, due to which any other charge experiences an attractive or repulsive. पर इसमें दोनों हो सकता है ना, अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। रिपल्सिव फोर्स एंड द फॉर्मूला वॉज ऑल्सो गिवन टू बी सेम। जैसे यहाँ एक कॉन्स्टेंट है वैसे यहाँ भी कॉन्स्टेंट था, और चार्जेस क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वेयर, सेम फॉर्मूला है। इसीलिए सब कुछ सिमिलरली डिफाइन होता है, फॉर्मूले भी सारे सेम आते हैं। ठीक है, फिर हमने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा। क्या होता है ग्रेविटेशनल फील्ड? द ग्रेविटेशनल फोर्स फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास जीपी इज इक्वल्स टू एफ बाय एम। ये पढ़ा था हमने, एम नॉट, एम नॉट क्या था, टेस्ट मास था। ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी था एक्चुअली, नॉट ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड तो वो रीजन था जहाँ पे फोर्स महसूस होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास, दिस वॉज दिस। एंड देन वी सॉल्व्ड इट, वी गॉट जी, सपोज ये आपका सोर्स मास है और इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा दो मास और मान लो आर की दूरी पर, तो जी पी कैसे निकलेगी, फोर्स क्या होगा, एम एस एम नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर डिवाइड बाई एम नॉट। तो क्या आया, जी एम एस बाय आर। और ऐसे ही हम ग्रेविटेशन फील्ड निकालते आए। अब बाद में हमने ये बोला कि इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि अगर किसी, अगर पी पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो वो ऐसे एक्सेलरेशन इसकी तरफ आता रहे, ये सिग्निफिकेंस था। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। अब यहाँ ग्रेविटेशन फोर्स है, यहाँ बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो जो एफ था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब चार्ज दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के बेसिस पे समझाया गया है स्टैंडर्ड। तो अगर कोई क्यू एस है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है सोर्स चार्ज, नेगेटिव भी हो सकता है। और यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज लिया वो पॉजिटिव ही लिया जाता है, कन्वेंशन एक तरह का।
तो ऑब्वियसली अगर हम प्लस ले रहे हैं तो ये इधर की तरफ फोर्स महसूस करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से दिखाते हैं। कुछ बुक्स में ग्रेविटेशन फील्ड को भी ई से दिखाया गया है, तो जस्ट बिकॉज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसे एफ बाई एम नॉट था, यहाँ एफ बाई क्यू नॉट है, फॉर्मूला वैसी का वैसा बिल्कुल, अपॉन क्यू नॉट इंटू सॉरी के क्यू एस बाई क्यू नॉट इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई ये वाला क्यू नॉट हमने जो एक्स्ट्रा लिया है, सो वी गेट दिस के क्यू एस बाई आर स्क्वायर। और ये हम देख रहे हैं कि ये आर दूरी है, दैट इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज। अब जैसे कि हमने ग्रेविटेशन फील्ड निकाली, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाली जाती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक और सिंपल तरीका भी होता है, और वो होता है गॉस थ्योरम से। वैसे हमने जब भी ग्रेविटेशन फील्ड निकाली, लंबे लंबे डेरिवेशन किए है ना, ऐसे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में भी करने पड़ते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास एक बहुत बढ़िया यंत्र होता है गॉस थ्योरम, इसकी मदद से हम आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकाल लेते हैं। गॉस थ्योरम समझने से पहले हमें पहले फ्लक्स को समझना हो, आइए समझते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आपने एक सोर्स चार्ज रखा और आपने उसके बगल में क्यू नॉट रख दिया, क्यू नॉट किधर जाएगा, ऑब्वियसली दूर, ऐसे जाएगा ना, रिपल्शन सबने पढ़ा है, रिपल्शन अट्रैक्शन चार्जेस के बीच में होता है, बिल्कुल ऐसे ही तो होता है। अब ऊपर रख दोगे तो ऐसे जाएगा, यहाँ रख दोगे तो ऐसे धक्का महसूस होगा, यहाँ रखोगे तो ऐसे धक्का महसूस होगा, यहाँ रखोगे तो धक्का ऐसे महसूस होगा, यहाँ रखोगे धक्का ऐसा महसूस होगा, यहाँ रखोगे तो रिपल्शन ऐसे महसूस होगा, यहाँ रखोगे तो ऐसे महसूस होगा, और कहीं भी रखोगे तो लाइंस निकलती रहेंगी, ठीक है। तो ये लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं द फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट। दीज लाइंस रिप्रेजेंट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय क्यू नॉट, और सिर्फ क्यू नॉट के बेसिस पर ही समझाया जाता है ये फ्लक्स पहुंचने वहां पे। सो दीज लाइंस रिप्रेजेंट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय क्यू नॉट, दीज लाइंस आर हेंस कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सिमिलरली अगर आपका मास एम एस है और आप एक एम नॉट रखोगे तो वो यहां आएगा, एन नॉट रखोगे तो यहाँ आएगा, एन नॉट रखोगे तो यहाँ आएगा, एन नॉट रखोगे तो यहाँ आएगा, ऐसे आता रहेगा। और फिर इनको भी हम बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, ठीक है, लिख लेते हैं। दीज लाइंस रिप्रेजेंट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट मास, ठीक है, दैट इज एम नॉट। दीज लाइन्स आर हेंस कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन्स, जी एफ एल, ओके। नाउ जैसे कि हमने देखा कि चार्ज जो है उसकी फील्ड लाइंस निकलती हैं, जो रिप्रेजेंटेशन होती है बस फोर्स का। अब हमको ये बात पता है, हमने आपने 10th में पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास में होती हैं हम ये बोलते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है मोर, और जहाँ दूर होती हैं, ये 10th में पढ़ा है आपने, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ा है 10th में। यहाँ पे बी की इंटेंसिटी जो है वो लेस है, क्योंकि यह नंबर ऑफ फील्ड लाइंस में स्पेसिंग ज़्यादा है। एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट सारी फील्ड्स में अप्लाई होता है, अगर चार्ज की बात करें तो वहाँ भी यही अप्लाई होगा। सपोज मैं एक रीजन सेलेक्ट कर लूँ और उसमें एक छोटा सा रीजन सेलेक्ट कर लूँ, और अगर मैं एस आई यूनिट की बात करूँ तो फिर मैं ये रीजन चुनूंगा 1 मीटर स्क्वायर। सपोज ये जो फील्ड लाइंस आ रही हैं, या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, या छोटे में इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस,
तो जो 1 मीटर स्क्वायर से निकलेंगी, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स विच क्रॉस 1 मीटर स्क्वायर एरिया रिप्रेजेंट, आई विल नॉट से इक्वल टू बट रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो 1 मीटर स्क्वायर से निकले वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी हाँ लिख दिया इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी मैथमेटिकली, जिसको हमने एफ बाई क्यू नॉट से सॉल्व किया था, वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूँ। तो जो 1 मीटर स्क्वायर से निकले वो ये दर्शाएंगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज़्यादा है कम है, जो भी है, दे विल जस्ट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सपोज आई हैव टू रीजन, एक रीजन ये जहाँ से कितनी निकल रही है, 1, 2, 3, तो जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो प्रपोर्शनल टू 3 है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। वॉट अबाउट दी एंटायर रीजन देन, तो एंटायर रीजन का एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा, तो 1 मीटर स्क्वायर से जो निकले हैं, इसे इसको ई से दिखाते हैं, ई 1 मीटर स्क्वायर से जो निकले उसे ई बोल दो, तो 1 मीटर स्क्वायर से ई इंटू ए, और इसको बोला गया फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन आ गई हमारे पास। क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बस इसी तर्ज पे हम मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिफाइन कर सकते हैं। यहां से चीजें जो मैग्नेटिक फ्लक्स कह रहा हूं, सॉरी वो भी होता है कुछ लेकिन गलती से निकल गया, ग्रेविटेशनल फ्लक्स, ठीक है। अब यहां पे आएगा ग्रेविटेशनल फ्लक्स, अब यहां से चीजें एनालॉजी के अकॉर्डिंग चलेंगी, एनालॉजी मतलब ये ऐसा है तो ये भी मान लो, इस तरह। अभी तक मैंने जो बताया था सचमुच में होता है, लेकिन यहां के बाद आपको बुक्स में ये से शब्द नहीं मिलेंगे, अभी तक मैंने जो बताया वो सब मिलेगा आपको अच्छी किताबों में, लेकिन ग्रेविटेशन फ्लक्स वर्ड नहीं मिलेगा। यहां से अब कुछ अजीब हम कुछ अपनी तरफ से क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम गॉस थ्योरम लगा सकें और आसानी से ग्रेविटेशनल फील्ड का मजा ले सकें निकालते वक्त। यहां तो टाइम लगता है लंबे मेथड से ना, इसलिए मैं कह रहा हूं। सो ग्रेविटेशन फ्लक्स की बात करें अगर, तो वो एग्जैक्टली ऐसे डिफाइन होगा, कैसे, द टोटल नंबर ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ रीजन, तो ये हमारा ग्रेविटेशन फ्लक्स हो गया, और इसका हम फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, ग्रेविटेशनल फ्लक्स जी इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फील्ड इनटू एरिया, ये लीजिए, ठीक है। अब देखिए हम गॉस थ्योरम पे आ रहे हैं, जैसे कि मेरा चार्ज था और मैं देखा कि चार्ज अपने हर तरफ स्फेरिकल रीजन में हर तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकाल सकता है, ऊपर भी दिखाना है लेकिन दिखा नहीं सकते ऊपर हम, तो पूरा स्फेरिकल रीजन हो जाएगा, ठीक है। आइए तो फिर अगर ऐसी बात है तो एक स्फेरिकल रीजन के लिए फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज ई इंटू ए, और हमने ई सॉल्व कैसे करा था, के क्यू एस बाय आर स्क्वायर, जस्ट लाइक हमने जी निकाला था, के की जगह कैपिटल जी, चार्ज की जगह मास अपॉन रेडियस का स्क्वायर, हमने भी निकाल के दिखाया भी था वैसे आपको, और आप चाहे तो ग्रेविटेशनल फील्ड के फॉर्मूले से भी चेप सकते हो, फर्क ना है जी और एम की जगह के और क्यू रख देना है, ठीक है। कहाँ गया हमारा, ये देखिए ये आपने निकाला था ना, ये हमने देखो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये देखिए के क्यू एस बाय आर स्क्वायर, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने वो रख दिया। अब बारी आती है एरिया की, मान लिया आपने ऑब्वियसली आर तक लिया, यहीं पे तो चेक कर रहे होगे ना, इस रीजन में तो आर रेडियस होगा, तो स्फीयर का रेडियस सबको पता है, सरफेस एरिया कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर, तो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया, कैंसिल हो गया, और के क्यू एस इंटू 4 पाई ना, ये जो के है उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है 1/4 पाई टाइम्स सम कॉन्स्टेंट, एंड दैट कॉन्स्टेंट इज शोन बाई एप्सिलॉन, इज अ ग्रीक लेटर एंड इट इज डिनोटेड लाइक दिस, ई जैसा लगता है ऐसा, और नीचे हम क्या लगाते हैं, एक NaUGHT लगाते हैं, इसकी स्पेलिंग होती है नॉट, और ये रिप्रेजेंट करता है कि हम वैक्यूम में हैं, ठीक है। अगर हम वैक्यूम में हैं तो नॉट लगा देंगे, और किसी और मीडियम में है तो उस मीडियम का एप्सिलॉन लगा देंगे, कहते हैं कि अलग अलग मीडियम का एप्सिलॉन अलग अलग होता है, तो हम लगाएं अगर
इस चीज को 1/4πε0 इंटू क्यू एस इंटू 4π। हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम वैक्यूम में हैं, तो देखिए हमारे पास जो फ्लक्स आ जाता है वो ये आ जाता है, चार्ज टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो अब हमारे पास फ्लक्स जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया था जिससे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं, हम सिंपली चार्ज डिवाइड बाय वो एप्सिलॉन भी कर दें तो भी आंसर आ जाएगा। थोड़ा एप्सिलॉन जानना हो तो इतना बता दूं मैं आपको कि एप्सिलॉन जो होता है वो एक तरह का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और जैसे जैसे दूसरे मटेरियल आते हैं एप्सिलॉन बदलता रहता है। एग्जांपल के तौर पर जैसे हमारे पास अगर वाटर होता, एप्सिलॉन ऑफ वाटर कहा जाता है, इट इज 80 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ द एप्सिलॉन ऑफ एयर या वैक्यूम। एयर वैक्यूम दोनों सेम ले लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर जो है has more resistance to electric field lines. Water has more resistance. तो epsilon resistance दिखाता है, more resistance to electric field lines. Now इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपके पास charge है और आप air में हैं, तो यहाँ से मान लीजिए 80 लाइंस निकल रही हैं अगर एयर में, सपोज यह 80 लाइंस कमिंग आउट, ठीक है 80 लाइंस हैं, तो वाटर में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे सिर्फ 8 लाइंस निकलेंगी, सॉरी वन लाइन, ओनली वन लाइन विल कम आउट, क्योंकि 80 टाइम्स ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो ओनली वन लाइन विल कम आउट। दैट इज द मीनिंग ऑफ एप्सिलॉन, इट इज अ रेजिस्टेंस। सो अगर सिर्फ एक ही लाइन आएगी तो ऑब्वियसली फोर्स के लिए, इंट्रैक्शन के लिए भी कम हो जाएगा चीज़ें, तो हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑल्सो रिड्यूसेस। और फोर्स कितना बाय 80 टाइम्स है ना। तो इसके इसका एक बहुत बड़ा रीजन दिखाता हूँ कि वाई वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये भी रीजन है इसका क्यों है। बिकॉज वाटर में जैसे मान लो आपने Na प्लस और Cl माइनस डाला, इसके बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, एक्सट्रीमली हाई स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड है ना, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है ना, हाई स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। आखिर होती कैसे भाई, Na प्लस पे एक चार्ज कम है प्लस Q, और इस पे एक चार्ज ज़्यादा है तो माइनस Q, और इनके बीच में फिर फोर्स आ जाता है के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाय जो इनका डिस्टेंस है आर, ये फोर्स आ जाता है। जैसे ही आप एयर से निकाल के NaCl को पानी में डालते हो, ये फोर्स 80 गुना पानी में 1/80 ऑफ एयर हो जाता है, और फिर इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, फोर्स कमज़ोर हो गया ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस ड्रेस्टिकली and hence can be easily broken, and hence can be easily broken. तो ये reason है कि पानी universal solvent के because of its high epsilon, और इस epsilon को epsilon नहीं बोलते क्योंकि ये तो ग्रीक लेटर का नाम है, इस epsilon का actual physics का नाम होता है permittivity, क्या बोलते हैं परमिटिविटी। तो हम ये बोलते हैं वाई वाटर इज अ हाई इन वाई वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट हैज हाई परमिटिविटी, ठीक है। तो हमने आपको ये बता दिया, और हमने आपको गॉस थ्योरम भी बता दिया कि गॉस थ्योरम क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इन केस ऑफ एयर, और एयर ही बात कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा उस पर गहराई में जाना नहीं चाहते, बिकॉज दिस विल कम इन योर क्लास 12th फर्स्ट यूनिट ओनली। हम गॉस थ्योरम जबरदस्ती बनाएंगे ग्रेविटेशन फील्ड के लिए भी। देख जबरदस्ती बनाने का रीजन क्या है, मैं दिखाता हूं आपको। जैसे कि क्या हमने लाइन चार्ज के लिए डेरिवेशन किया है ग्रेविटेशन फील्ड का, आई डोंट रिमेम्बर, पर मैं आपको दिखाता हूं। सपोज हमारे पास एक लाइन है, उस पर चार्ज है और हम उस चार्ज लाइन के थोड़ी सी दूरी पर, आर की दूरी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं,
तो लेट दैट पॉइंट बी पी, कैसे निकाले? लेट अस सी। तो हम सपोज वाई की दूरी पर डी वाई लेंथ ले लें और यहाँ प्लस है, और जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे जैसे वहाँ एम नॉट रखा करते थे, यहाँ हम क्यू नॉट रखते हैं, और क्यू नॉट पॉजिटिव होता है, हमने पॉजिटिव लिया है तो इतने छोटे से पोर्शन का जो फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा, रिपेल करेगा ना, और जैसे वहाँ डी जी पी लिखते थे, यहाँ हम डी ई लिखते हैं। सिमिलरली ऊपर भी तो ले सकते हैं सिमेट्री की वजह से, और वो ऐसा हो जाएगा, वहाँ भी डी ई लिख लेंगे, और ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, और ये थीटा भी है तो ये थीटा है। फाइनली वी हैव डी ई कॉस थीटा, इसकी वजह से एक और डी ई कॉस थीटा, और ऐसे अनगिनत होंगे, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे। हमने देखा कि डी ई साइन थीटा भी होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ ओवरऑल जो हमारा ई नेट होगा इस लाइन चार्ज की वजह से एट दैट पॉइंट ई, इट विल बी नोन एज इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दी कॉम्पोनेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा लाइन चार्ज की वजह से, ठीक है। नाउ वी नो दैट डी ई इज ड्यू टू चार्ज एट वेरी स्मॉल लेंथ, वेरी स्मॉल पोर्शन डी वाई। तो अब बड़े पोर्शन पे चार्ज क्यू होगा तो छोटे पे डी क्यू होगा। लेट चार्ज ऑन डी वाई लेंथ बी डी क्यू। तो सपोज ये आपका डी क्यू है चार्ज छोटा सा, और ये मान लीजिए हमने x डिस्टेंस लिया यहाँ से x, ये y, और ये हम r ले रहे हैं। तो डी क्यू से r की दूरी पर डी ई क्या लिखोगे? फॉर्मूला तो सेम रहेगा, k q बाय आर स्क्वायर था, ये k डी क्यू बाय आर स्क्वायर होगा, दैट्स इट। इतना ही तो लिखेंगे। नाउ एक और टर्म हम डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी हम यहाँ डिफाइन कर लेते हैं, और वो होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये शब्द हमने मास में भी सुना था, लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है ना, उसमें एम बाई एल था, यहाँ पे भी चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी कि क्यू बाई एल। तो इसको दिखाते हैं लैम्डा से, क्यू बाई एल, और उसकी ऑब्वियसली यूनिट होती है कूलम पर मीटर। अब लिख लेते हैं इन डिफरेंशियल फॉर्म, इन डिफरेंशियल फॉर्म लैम्डा विल बी डी क्यू बाई डी एल, और जैसा भी यूज करना चाहें, डी क्यू बाई डी वाई या डी क्यू बाई डी एक्स, जो भी लेटर आप यूज करना चाहें, पर ये लेंथ होना चाहिए। सो समटाइम्स चार्ज इज ऑल्सो रिटन एज लैम्डा डी एल और लैम्डा डी वाई, जैसा लिखना चाहें, तो ऐसे कई बार रिप्लेस कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी हम करेंगे, जो ई नेट आया था वो क्या आया था, डी ई कॉस थीटा, दिस वॉज द लाइन चार्ज, ये हमारी x की दूरी थी, ये q था, ये डी वाई, और यहाँ सकते दूरी y थी, ठीक है, ये डी ई था, और ऊपर से भी ये हमारा डी ई था, ठीक है। तो हमने डी ई जो लिखा वो क्या लिखा था यहाँ पे, r डिस्टेंस पर, लेट्स राइट अगेन, ये थीटा था, भूलना नहीं। सो ई नेट विल बी इक्वल्स टू के डी क्यू, आई कैन नाउ राइट लेमडा डी वाई, क्योंकि डी वाई पे है ना, इसलिए लेमडा डी वाई डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, कितना है, बेस एक्स अपॉन आर। सो वी हैव के लेमडा एक्स, के लेमडा एक्स, ठीक है, के लेमडा एक्स, ये कॉन्स्टेंट है, के कॉन्स्टेंट, के तो कॉन्स्टेंट होता है, लेमडा भी कॉन्स्टेंट है, चार्ज डेंसिटी और एक्स दूरी, ये तो चेंज नहीं हो रही, कॉन्स्टेंट है। क्या बच रहा है, वन बाय, सॉरी पीछे फोन आ जाता है, इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। खैर ब्रेक होगा एक हल्का सा वीडियो में, ट्राई टू कोप अप विद दैट। एंड आर क्यूब इज ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 एंड डी वाई, एंड ऑब्वियसली यू विल नाउ इंटीग्रेट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि वायर जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है।
ये थोड़ी हम इस तरह की डेरिवेशन पहले भी कर चुके हैं, जिसमें इंटीग्रेशन आई मीन टू से, जिसमें 1 बाय x² + y² पावर 3/2 आया था। इसमें हम वाई इक्वल्स टू जो वेरिएबल है उसको कांस्टेंट एक्स जो है उसके फॉर्म में लिखते हैं, एक्स टाइम थीटा, और बाद में से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। विल गेट डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, टेन थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा, और डी वाई का हो जाता है एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और यहाँ पे डी वाई को रिप्लेस करते हैं, यहाँ वाई की जगह एक्स टेन थीटा लिखते हैं, और चीज़ें फिर आसान होने लगती हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद मैं चलो खत्म कर इस पार्ट को कर देता हूँ सॉल्व, कोई इशू नहीं है। तो व्हाट आर वी गेटिंग नाउ, ई नेट इज इक्वल टू के लैम्डा एक्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 डी वाई। सो व्हाट आई डिड, ये एक तरह का सब्स्टिट्यूशन है जो रख लीजिए आप, रखना ही पड़ता है इस तरह के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। कांस्टेंट टाइम्स टेन थीटा, जब भी प्लस हो स्क्वायर में हो पावर 3/2 हो। सो डी, अब इसको हमें अपने वाई को थीटा के फॉर्म में कर दिया, तो डी वाई भी थीटा के फॉर्म में चेंज होगा, तभी इंटीग्रेशन चालू होगा। तो इसलिए हम इसको ऐसा करते हैं, जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्स तो कांस्टेंट है, टेन थीटा का होगा सेक स्क्वायर थीटा, सबको ये फॉर्मूला पता होगा टेन थीटा का, एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, एंड वी हैव नाउ गॉट दैट डी वाई, सो वी कैन डू इट। बहुत सिंपल है, यहाँ से ऐसा कुछ नहीं है, बस लेंदी है। वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये लीजिए, की पावर 3/2 इंटू एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये लीजिए। सो के लैम्डा एक्स, देखो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, ऊपर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 + tan² थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, पावर 3/2 होल बच रहा है। सो वी हैव के लैम्डा एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2 2 कैंसिल, x³ सेक स्क्वायर का 2 2 कैंसिल सेक एंड क्यूब। तो लीजिए ये एक्स स्क्वायर से एक गया, सेक स्क्वायर से एक गया, वी गॉट के लैम्डा बाय एक्स, एंड फाइनली वी गॉट 1 बाय sec दैट इज कॉस थीटा डी थीटा। अगर आप वायर को देखें अपने, तो अब एंगल के फॉर्म में लिमिट्स रखनी पड़ेंगी कि कहाँ से कहाँ तक। अगर वायर इन्फिनिटी है ना, तो आप उस तक पहुँच ही नहीं पाओगे, एक तरह से एंगल 90 ही हो जाएगा, है ना। तो हम रखते हैं -π/2 से +π/2, फाइनली वी हैव के लैम्डा बाई एक्स कॉस थीटा हो जाता है साइन थीटा, -π/2 से +π/2, एंड वी हैव के लैम्डा बाई एक्स साइन 90 1 - साइन -90 -1, वी लैक 2 k λ/x, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसीजर होता है, एक चार्ज, अगर हमारे पास लाइन चार्ज है और उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हमारा जो आंसर आता है वो 2 k λ/x होता है, अगर x की दूरी पर है। सिमिलरली अगर मेरे पास इनफाइनाइट मास होता, लीनियर मास, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का, तो उसकी दूरी पर भी हमारा जो आंसर आता वो के की जगह जी लिख देते, लैम्डा बाय एक्स लिख देते। लेकिन आप इतना लंबा डेरिवेशन क्यों करोगे? तो जो अब आप सोचो, जरा पन्ना पलटते हैं, डेरिवेशन कितना लंबा है ना, ये देखो यहाँ से शुरू किया फिर इंटीग्रेशन करो। मैं आपसे बोलूँ, अगर ऐसी चीज़ सिर्फ 3 लाइन में हो जाए, इस तरह की चीज़ सिर्फ 3 लाइन में हो जाए, तो मज़ा नहीं आ जाएगा। आप जानते हैं हमने एक स्फेरिकल हॉलो स्फीयर के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड निकाली थी, कितने 22 मिनट का वीडियो था, है ना। अभी मैं ये कहूं कि मैं उस डेरिवेशन को 3 लाइन में कर दूं, तो लेकिन वो फैसिलिटी केवल इलेक्ट्रिक फील्ड क्षेत्र में है, क्योंकि गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बनाया गया था, ग्रेविटेशन फील्ड के लिए कोई गॉस थ्योरम नहीं है। लेकिन काश ऐसा कोई थ्योरम होता तो हम जल्दी से कर लेते, हमसे वो डेरिवेशन पूछेगा स्फीयर का, हम 22 मिनट में नहीं करेंगे, आराम से तुरंत कर लेंगे। आपको याद होगा हमने एक स्फीयर लिया था, उस स्ट्रिप ली थी, है ना, बहुत लंबा डेरिवेशन था, बहुतों को याद भी नहीं होगा आप कैसे करना है। तो हमने नोटिस किया कि यार गॉस, जब सब कुछ सेम ही है इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशन फील्ड में, के की जगह बस जी लिखना है और क्यू की जगह एम लिखना है, तो यार गॉस थ्योरम भी निकाल लो वहां से। तो गॉस थ्योरम को भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखते हैं गॉस थ्योरम कैसे अप्लाई किया जाए।
यहां पे अब जाके हम बोल सकते हैं गॉस थ्योरम एनालॉजी इन ग्रेविटेशन। यहां देखिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में और ग्रेविटेशन फील्ड में गॉस थ्योरम कैसे लिखा, यहां आपने फ्लक्स कैसे, गॉस थ्योरम कैसे लिखेंगे। यहां फ्लक्स क्या था, जैसे कि फ्लक्स था ई इंटू ए, यहां हमने फ्लक्स जबरदस्ती लिख लिया जी इंटू ए। अब इसको सॉल्व करते हैं जरा, क्या था एक के क्यू एस बाय आर स्क्वायर, हमने एरिया लिखा 4 पाई आर स्क्वायर, ये कैंसिल, फिर हमने के को खोला 4 पाई एप्सिलॉन क्यू एस इंटू 4 पाई, और ये कैंसिल होने के बाद हमको मिल गया क्यू एस बाय एप्सिलॉन। ये हमारा गॉस थ्योरम आ गया कि क्यू एस बाय एप्सिलॉन गॉस थ्योरम होता है, ये एक्सप्रेशन गॉस थ्योरम कहलाता है। सिमिलरली इसको भी कर ले जरा, ये हो जाएगा जी एम एस बाय आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये कैंसिल। पर जैसे के की कुछ वैल्यू होती है, जी की कोई वैल्यू नहीं होती, जी ऐसे लिखा रहता है, तो 4 पाई जी इंटू एम एस ये हमको लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बिल्कुल ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, जबरदस्ती हम 4 पाई जी को नीचे भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, ये एप्सिलॉन का रोल प्ले करेगा 1/4 पाई जी। तो हमारे लिए जो एनालॉगस है, एप्सिलॉन का जो एनालॉगस होगा वो होगा 1/4 पाई जी। तो मैंने आपके 26 मिनट जो लिए हैं आज इस चीज को पढ़ाने समझाने में, अगर वो 26 मिनट आप स्किप भी कर दें, मतलब आप, आपको समझ में आया, अच्छी बात है, अगर आप फोकस से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन एंड में मुद्दा जो है वो बस ये है कि आपको गॉस थ्योरम पता होना चाहिए क्यू एस बाय एप्सिलॉन, और हमने गॉस थ्योरम अगर लगाना है ग्रेविटेशन फील्ड में कि आसानी से फ्यूचर में, भविष्य में अब सारे डेरिवेशंस हो जाएं ग्रेविटेशन फील्ड में भी, क्योंकि ग्रेविटेशन फील्ड में ऐसी कोई टूल नहीं थी, ऐसी कोई मैथमेटिकल टूल होता है, गॉस थ्योरम को बोलते हैं इट्स अ मैथमेटिकल टूल टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इजिली, ये एक्चुअल डेफिनेशन होती है एक तरह की। डेफिनेशन तो ये है कि व्हाट इज गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स ड्यू टू अ चार्ज इज 1/ε टाइम्स द चार्ज, वैसे ही चार्ज एनक्लोज्ड। अभी उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो 12th में आ जाएगा, लेकिन इससे ये फायदा होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारे लिए है कि गॉस थ्योरम क्या है, इट्स ए मैथमेटिकल टूल टू फाइंड आउट या टू कैलकुलेट या टू इवेल्युएट इलेक्ट्रिक फील्ड इजिली। ऐसी ग्रेविटेशन फील्ड में भी हम अगर गॉस थ्योरम कैसी भी चेप दें तो हम ग्रेविटेशन फील्ड भी आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ध्यान रखें एप्सिलॉन का रोल वन क्या करा 4 पाई जी। अब देखो कैसे, यहां पे चलेंगे, मान लीजिए हमारे पास इन्फाइनाइट लाइन चार्ज था, तो हमारे पास मान लो इतनी दूरी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब इतना लंबा मेथड आपको पता है कैसे था, पर गॉस थ्योरम से क्या करेंगे हम जैसा ये लाइन का शेप है ना, 3D फिगर से इस लाइन को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हमेशा जो चार्ज होता है हमेशा उसको हमें बंद करना होता है एक सरफेस से, जैसे हमने जब पॉइंट क्यू चार्ज लिया था एक, तो उसको हमने स्फीयर से बंद किया था। अब एक लाइन चार्ज को हम उसकी के 3D फिगर से बंद करेंगे, तो लाइन का 3D हो जाएगा एक तरह से सिलेंडर, तो हम सिलेंडर से बंद करेंगे और इसके लिए हम गॉस थ्योरम लगाएंगे। कैसे, एक बार फ्लक्स की स्टैंडर्ड डेफिनेशन ई इंटू ए, एक का फ्लक्स की गॉस थ्योरम वाली डेफिनेशन क्यू बाय एप्सिलॉन, दोनों को रख देंगे बराबर, आपके देखो होश उड़ने वाले हैं, कितना लंबा डेरिवेशन था है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। बस ये एरिया जानते हो कि किसका रखना है, एरिया एरिया रखना है जो 3D फिगर आपने कवर किया, क्या होता है सिलेंडर का एरिया, अगर ये देखो एक्स की दूरी पर है ना 2 पाई एक्स इंटू ये लेंथ ले लो कुछ भी क्यू बाय एप्सिलॉन, तो कितना है देखो 1/2 पाई एप्सिलॉन, ये 2 पाई भेज दिया क्यू बाय एल इंटू 1/x, ठीक है। ऐसा करो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करो ऊपर नीचे, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन बन जाएगी। हमने एक्चुअली के बनाना था, इसलिए हमने के 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है ना, तो हमने के बनाने के लिए 2 नीचे डिवाइड कर दिया। क्यू बाय एल क्या होता है लेमडा, और ये एक्स है, तो अब देखो क्या आंसर आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या होता है के 2 के लेमडा बाय एक्स, ये देखो तुरंत आ गया आंसर, कोई इंटीग्रेशन नहीं कोई टेंशन नहीं, है कि नहीं। सिमिलरली अगर मास होता इनफाइनाइट लीनियर मास, तो उसकी एक्स की दूरी पर कैसे करेंगे, अब देखो एक बार ग्रेविटेशन फ्लक्स लिखो जी इंटू ए, एक बार गॉस थ्योरम
जबरदस्ती लगा लो मास एम एस अपॉन एप्सिलॉन की जगह 1/4 पाई g, दोनों को इक्वेट करो, जी इंटू ए इज इक्वल्स टू एम एस अपॉन 1/4 पाई g। कर लिया, आपको तो g लगाना है। चलिए शुरू करते हैं। डिवाइड बाय ए एरिया, इसको भी आप सिलेंडर से ही कवर करोगे भाई, यस और नो? कवर सेम से ही करना। क्या होता है 2 पाई r l इंटू मास एम एस अपॉन 1/4 पाई g हो गया। तो जी कितना आ गया आपका भाई, ये आप ऊपर भेज दो, ये कैंसिल करो 2, तो 2 ms g। देखो 2 और g ऊपर चले गए एम एस के साथ, और नीचे क्या बचा r और l, तो कितना आ गया एम एस बाय एल, कितना आ गया लेमडा 2g λ/x। हमें x लेना चाहिए था क्योंकि हमने x डिस्टेंस लिया है ना, इसलिए। तो देखिए फॉर्मूले सेम ही आते हैं, ये आ गया। अब मैं देखिए आपको फॉर्मूले सेम ही आते हैं, सारे फॉर्मूले सेम आएंगे। जैसे अगर आपको मैंने डिराइव करवाया था एक्स स्फीयर के लिए किसी आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी, यहाँ पर ग्रेविटेशन फील्ड आई थी gm/r² आई थी ना, यहाँ पर जी की जगह के, एम की जगह क्यू, और डिस्टेंस जो आर था उसकी जगह आर, सेम फॉर्मूला आता है। आपको याद तो होगा कितना घातक लंबा चौड़ा डेरिवेशन था। अब देखो अगर गॉस थ्योरम जो हमने सीख लिया है कि वो क्या होता है, उसकी मदद से करते हैं। कोई स्ट्रिप नहीं लेंगे हम, कोई स्ट्रिप नहीं लेंगे, हॉलो स्फीयर था, हमें पी पॉइंट पर निकालना था ग्रेविटेशनल फील्ड। अब कोई स्ट्रिप नहीं लेनी है इसका, हॉलो स्फीयर का कवर स्फीयर कवरिंग सरफेस क्या होगा, ऑब्वियसली स्फीयर ही तो होगा। अब वो स्फीयर कहाँ से लेते हो, जहां पे आपको निकालनी है ग्रेविटेशन फील्ड वहीं से स्फीयर बना लो एक। अब मास बार बार है, ठीक है, तो अब देखो मैं इसमें गॉस थ्योरम लगा रहा हूं। पहले फ्लक्स लिखूंगा जी इंटू एरिया, एरिया किसका, इस सरफेस का, ठीक है। और दूसरा डेफिनेशन क्या होता है गॉस थ्योरम, मास जिस सरफेस किसका, जिसको आपने कवर किया है, इसका मास है ना, इसका मास तो एम था, ठीक है, एम अपॉन 1/4 पाई g, ये लो भाई, बस दोनों को इक्वेट करो, जी इंटू एरिया एम अपॉन 1/4 पाई g, बस तुरंत ऊपर भेज दो 4 पाई g, 4 पाई g m। और अब एरिया लिखो 4 पाई r² ले लो, इज इक्वल्स टू 4 पाई g इंटू m, 4 पाई 4 पाई कैंसिल। बोलो आंसर आया कि नहीं आया, gm/r², ये देखो तुरंत आ गया आंसर। ये है फायदा गॉस थ्योरम का। अब किसी भी शेप के लिए आप निकालोगे, आपको बस ये सोचना है कि किससे कवर करें और आपका आंसर आता रहेगा। तो इसीलिए गॉस थ्योरम सिखाया गया था आपको, सब्र भर मीठा होता है। आपने अपने आधा घंटा दिया, अब आगे आप कोई डेरिवेशन करोगे गॉस थ्योरम अप्लाई करने की कोशिश करना।